बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल सिस्टम की और बाइनरी नंबर सिस्टम का। डिजिटल सिस्टम में क्या उनका रोल है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो होता है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका उसकी वैल्यू चेंज होती है कॉन्टिन्यूसली, और डिजिटल सिस्टम आपका होता है कि जो दो लेवल्स के इन बिटवीन इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। डिजिटल वर्ड्स आपका लातिन वर्ड्स है जो कि डिजिटस से है, मीन्स के उसके फिंगर, और डिजिटल में आपके डिफरेंट डिस्क्रीट्स वैल्यू होती हैं जो कि डिफरेंट फाइनाइट्स पॉइंट्स का डाटा उनमें आपका लाई करते हैं। ये आपके पास एनालॉग सिग्नल लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे आपका डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग की एग्जांपल्स आपकी डिफरेंट से ये ह्यूमन वॉइस, आपका साउंड, टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्टेंस, ये आपके डिफरेंट एनालॉग डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। तो एनालॉग की एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं ये आपका सीरीज आर सी सर्किट है जिसमें रजिस्टर के पेस्टर को लगा के आपने सिग्नल का एनालॉग एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ये डिजिटल की एग्जांपल्स में आपके ये डिजिटल वॉचेस, स्विचेस, मोबाइल फोन, सीडी, डीवीडीज और डिफरेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट हैं। और एनालॉग सिस्टम में अगर आप देखें तो आप जो सिग्नल आप देते हैं वो कैसे आपका एनालॉग डिवाइस के थ्रू कन्वर्ट होकर उसको एम्पलीफाई करता है, और डिजिटल की एग्जाम्पल में देखिए आपकी सीडी प्लेयर की एग्जाम्पल दी हुई है कि उसमें डिजिटल सिग्नल आपका कैसे कन्वर्ट होता है एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग में। और उसके बाद आपके बाइनरी डिजिट्स में आपके जो डिफरेंट डिजिटल लेवल्स 0 और 1 होते हैं, और एनालॉग में आपके 0 टू आपके अप टू 8, 9 लेवल तक चलते हैं। बाइनरी में अगर आप लॉजिक लेवल देखें तो वो 0 और 1, 0 इंडिकेट्स करता है आपके लो लेवल को और 1 आपका शो करता है लेवल हाई को या 1 को। सो बाइनरी वैल्यूज में अगर आप देखें ये डिजिटल सिग्नल है, इसमें एक आपका लो लेवल जो कि टी नॉट पे शो कर रहा है और एक आपका हाई लेवल है, और इसमें आपके डिजिटल सिग्नल की 2 पॉजिटिव गोइंग पल्स है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव में अगर आप देखें जो आपके लेफ्ट साइड पे आपकी ये राइजिंग आपका ये लीडिंग एज शो कर है, और अगर नेगेटिव आप गोइंग पल्स को देखें तो वो आपका फॉलिंग एज शो करते हैं। इसी तरह इसके डिफरेंट मेजर पार्ट्स हैं आपके जो डिजिटल वेव फॉर्म के, अगर आप देखें तो उसमें आपके एम्पलीट्यूड, उसका राइज टाइम, अगर आपने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है उसकी पल्स विड्थ, ये डिफरेंट पैरामीटर हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप जो डिजिटल सिग्नल है आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख सकते हैं। जैसे कि ये टीडब्ल्यू जो कि पल्स विड्थ आपके उस डिजिटल सिग्नल की है, टाइम पीरियड आपके उस वेव फॉर्म का पूरा टाइम है, आपने फ्रिक्वेंसी अगर निकालनी हो डिजिटल सिग्नल की तो एफ इज इक्वल टू 1/T से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आपका ड्यूटी साइकिल अगर फाइंड करना है बाइनरी या डिजिटल सिग्नल का तो वो आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिजिटल सिग्नल की वेवफॉर्म आपकी डिफरेंस, ये आपकी फर्स्ट वाली डायग्राम में अगर आप देखें डिजिटल सिग्नल उसमें 2 लेवल्स हैं, और जो नीचे वाला अगर आप देखें तो सेकंड डायग्राम में इसके डिफरेंट लेवल्स हैं जो कि 4 लेवल की इंडिकेशन शो कर रहे हैं, यानी कि इसमें 16 बिट्स का डाटा आपका सेंड हो रहा है। इसी तरह आपके फिक्स फंक्शन जो आपके डिवाइसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें आपके पास आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं उसमें आपका डिप ड्यूअल इनलाइन पैकेजेस, स्मॉल आउटलाइन आईसी एसओआईसी, फ्लैट पैकेजेस और प्लास्टिक लीड चिप कैरियर पीएलसीसी और लीड लेस सिरामिक चिप कैरियर्स, ये आपकी फिक्स फंक्शन इंटीग्रेटेड आईसीज हैं जिनके में आप डिजिटल जो कंपोनेंट्स हैं सर्किट हैं उनको फैब्रिकेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें डिप ड्यूअल इनलाइन पैकेज जिसकी डायग्राम दिखाई गई है, यहां पर आपके 2 इंडिकेशन है, एक नॉच की है और एक पिन आइडेंटिफिकेशन की है, जहां पर आपका डॉट शो होता है वो वहां से आपकी पिन नंबर 1 स्टार्ट होती है और ये आपकी नॉच इंडिकेट करती है। नॉच के बॉटम से आप पिन कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं 1 to 8 और फिर उसके बाद नेक्स्ट 9 to 16। उसके बाद एसओआईसी में आपका स्मॉल आउटलाइन ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, और सेम उसी तरह आप इसकी पिन आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं और उसका फ्रंट व्यू और एंड व्यू इसका इस टाइप का होता है। नेक्स्ट वन इज फ्लैट पैकेजेस जो कि इस फॉर्म में होती हैं, आपकी ऐसी बनी हुई है और उसका ये एक साइड का एंड व्यू आपका दिखाया गया है। इसी तरह प्लास्टिक लीड चिप जो कैरियर्स हैं पीएलसीसी, उसका ये आपका फ्रंट व्यू और जो आईसीज आप फैब्रिकेट करते इंटीग्रेट करके उसका ये आपका व्यू दिखाया गया। नेक्स्ट वन इज लीड लेस सिरामिक चिप कैरियर, ये आप ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसका डिजाइन है कि वो आपकी किस फॉर्म होती है और आपने उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट वन इज प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसमें एसपीएलडी सिंगल प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइसेस, सीपीएलडी
कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइसेस FPGA, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज। फर्स्ट वन इज SPLD, जिसमें पॉल प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक्स। नेक्स्ट वन इज GAL, जेनरिक अरे लॉजिक। सेकेंड लास्ट वन इज PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिकल अरे, एंड PROMs, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरीज। उसके बाद आपने इनको टेस्ट करना है, इनके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, तो उसमें आप इनको एनालॉग ऑसिलोस्कोप से, डिजिटल ऑसिलोस्कोप से, लॉजिक एनालाइजर, लॉजिक प्रॉप, पल्सर, करंट प्रॉप्स, डीसी सप्लाई, फंक्शन जनरेटर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ये वो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज करते हैं जो ICs को ऑन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए और उनसे सिग्नल्स की मेजरमेंट के लिए आप यूज करते हैं। नेक्स्ट वन आपके डिजिटल नंबर सिस्टम है, और उनमें अगर हम देखें नंबर सिस्टम में, आपके नंबर सिस्टम जो डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सिंबल्स को, डिफरेंट आइडेंटिटीज को, जिसमें आपकी पोजिशनल और नॉन पोजिशनल दो सिस्टम्स आपके आ जाते हैं। सो पोजिशनल नंबर सिस्टम में आप क्या करते हैं कि आपके पास डिफरेंट सिम्बल्स होती हैं, डिफरेंट डिजिट्स होते हैं, जिनकी रिप्रेजेंटेशन से आप उस नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्सा है। पोजिशनल नंबर सिस्टम में आपको नंबर की जरूरत ज्यादा नहीं होती, ठीक है, उसमें आपकी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम की होती है। जैसे कि अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, आपके बाइनरी जो नंबर सिस्टम्स हैं या बाइनरी नंबर्स हैं, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर देखें तो उसमें आपका 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट्स आपकी डिफरेंट बसेज होती हैं, आपकी डाटा बस होती है, कम्युनिकेशन बसेज हैं, जिसमें आप डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। बट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्योंकि आपकी बेस 16 होती है, ऑक्टल में आप नंबर सिस्टम में आपकी बेस 8 होती है, सो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो आपका डिराइव हुआ है लातिन वर्ड से, और उसमें आप जो आपके डेली लाइफ में आपके यूज है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, तो इसलिए मैथमेटिक्स, अकाउंट्स और इस टाइप के आप जो वर्क हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। 0 जो है आपको लो लेवल को इंडिकेट करता है और 1 आपका हाई लेवल को। तो ये जो आपका एक जो आपका 0 और 1 एक लेवल है, ये इंडिकेट करता है बिट को, जिसको कहते हैं बाइनरी इंटीजर, जो 0 और 1 की फॉर्म में। तो ये नंबर सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन में यूज होते हैं, लाइक किसी भी डिवाइस को ऑन और ऑफ करने के लिए ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को। इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम अगर आप देखें तो आप जो वैल्यू लेते हैं 0 से लेकर 7 तक होती है, जो कि टोटल आपकी 8 बनती है। हेक्सा की अगर आप बात करें तो 0 से लेकर 9 तक आपके ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, और 9 से आगे 15 तक जो कि 16 नंबर बनते हैं वो आपके ABCDE और F हैं। सो इसमें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जो कि आपके 10 से लेकर 15 तक होते हैं, जिनको अल्फाबेट्स को हम A to F हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, ये हम यहां पर कंपेरिजन कर रहे हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में उसका क्या इक्विवेलेंट होगा, डेसिमल में क्या होगा और ऑक्टल में क्या होगा। सो जीरो में आप बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 ही है, ऑक्टल में भी 0 है, हेक्सा में भी 0 है और डेसिमल नंबर सिस्टम में भी 0 है। अगर हम 1 की बात करें तो 1 डेसिमल में 1 ही है, बाइनरी में 1 है, ऑक्टल में 1 है और हेक्सा में भी 1 है। इसी तरह अगर हम 2 की बात करें तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट आपका 1 0 बनता है, ऑक्टल में और हेक्सा में ये 2 होगा। और अब 2 अगर आप देखें 7 तक तो ऑक्टल में वो सेम चल रहे हैं, हेक्सा में भी सेम है, बट बाइनरी में हम क्या कर रहे हैं उसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे कि हम डेसिमल टू बाइनरी में कैसे जाते हैं। इसी तरह आप 8 से लेकर अगर आप 15 तक देखें तो आप क्योंकि 8 के बाद आप देखें आप ऑक्टल में 8 तक थे, यानी 7 नंबर तक थे, 8, 9 अप टू 15 किया इनका हम बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी कि हमने डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट किया है। और एग्जाम अगर आप देखें जो आपके अभी तक हमने बात की है, और बाइनरी में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल को बाइनरी में। देखिए आप ये जो भी आप बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं सिंपल आप फाइंड कर सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी भी अगर आपने फाइंड करना है, डेसिमल टू ऑक्टल भी और डेसिमल टू हेक्सा भी। अब हम कन्वर्जन की बात करेंगे तो आप देखें कि आप डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्सा टू डेसिमल, यानी कि आपस में आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं भी, किसी भी सिस्टम से आपने एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाना हो। सो पहले हम बात करते हैं हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल से,
डेसिमल से अगर आपने बाइनरी में जाना हो तो ये दो टाइप की आपको डिवीजन दी गई है, एक सक्सेसिव डिवीजन है और एक आपकी वेटेड मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपने डेसिमल टू बाइनरी में जाना है तो आप क्या करेंगे, उसको टू से डिवाइड करते जाएंगे और वो उसका आगे अभी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बट अगर आपने बाइनरी टू डेसिमल जाना है तो आप वेटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो भी हम देखते हैं एग्जाम्पल से। इसी तरह अगर आपने डेसिमल टू ऑक्टल में जाना है तो आप सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, और ऑक्टल टू अपने डेसिमल में जाना है तो आप उसको वेटेड मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर हेक्सा की बात करें, डेसिमल टू हेक्सा में अगर आपने जाना है तो डिवीजन होगी, और हेक्सा टू आपने डेसिमल में आने आपकी वेटेड मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई, अगर आप देखें 25 इसकी बेस 10 है, अगर आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और हेक्सा में, ये तीनों उसने कन्वर्जन की हुई है। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और आप इसको थ्रू थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर हमने डेसिमल टू डेसिमल हमने जाना है, यानी कि हमने डेसिमल में और डेसिमल में कन्वर्ट करें या ऑक्टल या ऑक्टल में, तो उसके लिए देखें ये आपका एक एग्जाम्पल है 1 to 5, ये आपकी वेटेड मल्टीप्लिकेशन है। पहले आपने अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, 5 को मल्टीप्लाई बाय 10 से किया क्योंकि बेस 10 है, फिर 2 को मल्टीप्लाई आपने 10 से किया, फिर 1 को मल्टीप्लाई बाय 10 से किया। अब इसी तरह देखें आपके पास 3 ये डिजिट्स हैं, तो आपने पहले के लिए पावर 0 ले ली, नेक्स्ट के लिए 1 और आपका 2। इसी तरह आपने देखें आपका आंसर अगेन 125 आ गया। इसी तरह अगर आपने डेसिमल टू बाइनरी में जाना है तो उसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है और उस ट्रैक को फॉलो करना है कि आपका रिमाइंडर क्या आता जा रहा है। तो जो सबसे पहला जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका LSP काउंट किया जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसी तरह जो आपका सेकंड रिमाइंडर आएगा, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में बिट में 0 है तो वो आपका LSP हो गया, इसी तरह सेकंड रिमाइंडर आपका 1 आ गया तो वो आपका, इसी तरह आपके डिजिट्स आपके बिट्स की फॉर्म में एड होते जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास 125 है, अब इसको ये डेसिमल में है, अगर बेस ना भी लिखी हो तो ये अंडरस्टूड सी बात है, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो देखें सबसे पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आ गया 62, रिमाइंडर आ गया 1। अगेन अब 62 को मैंने अगेन 2 पे डिवाइड किया, मेरा आंसर आ गया 31 और रिमाइंडर आ गया 0। इसी तरह मैं इसको अगेन डिवाइड किया, 15 रिमाइंडर आ गया और आपके पास सॉरी रिमाइंडर आ गया 1। इसी तरह मैंने अगेन किया, अब मेरा आंसर आ गया 7 और रिमाइंडर आ गया 1। तो ये राइट साइड पे आपके रिमाइंडर लिखते जा रहे हैं, इसी सीक्वेंस में आपने लिखने और लास्ट में आपने इनको कंबाइन कर लें। जैसे देखिए अब यहां पर मेरा लास्ट में आंसर 0 आ गया और ये मेरा यहां पर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसको लिखना है तो लिखने के लिए देखें मैं बॉटम से स्टार्ट करूंगा, बॉटम सबसे पहले मेरा क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 है इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, देन 1 1 1 1 1 आपके 1 2 3 4 1 फिर 0 फिर 1, तो ये आपकी बेस 2 में आपका कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर मैंने बाइनरी टू डेसिमल में जाना है उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन 2 की पावर एन चलेंगे, एन मीन्स कि आपके पास कितने डिजिट्स हैं। जैसे कि अगर अभी हम देखते हैं इसमें और उसके बाद हम उनकी पोजीशन को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 से, जो कि आपकी राइट साइड से होगी, और लास्ट में आप जो मेरा आंसर आएगा मैं उसको सम अप कर दूंगा। जैसे ये देखिए मेरे पास नंबर दिया हुआ है 101011, ये बेस 2 में है, मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैंने स्टार्ट किया अपने राइट हैंड से यानी LSP साइड से, 1 into 2 फिर 1 into 2 फिर 0 into 2 फिर अगेन 1 into 2 0 into 2 और 1 into 2। अब अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करनी है आपने जो 2 की पावर लिखनी है, जैसे कि लास्ट में ही बताया गया था ये 2 की पावर अपने पोजीशन शो करनी है, वो आपने राइट साइड स्टार्ट करनी है, तो राइट भी पहले 0 1 2 3 4 5 इस तरह भी हो गया। और अगर आपने कंफर्म करना हो, अगर आप देखिए आपके ये जो नंबर्स हैं ये आपके 6 हैं तो इट्स मीन के 6 से एक कम आपकी 2 की पावर 5 तक जाएगा, तो इनको आपने मल्टीप्लाई करके लास्ट में आपने इनको सम कर दिया। इसी तरह आपने अगर डेसिमल टू ऑक्टल में जाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 और उसी तरह उस रिमाइंडर को फॉलो करेंगे। जैसे ये देखें 8 से मैं डिवाइड करता जा रहा हूं और जो मेरा रिमाइंडर आता जा रहा है वो मैं राइट साइड पे लिख रहा हूं और लास्ट में मेरा ये आंसर आ गया, इसको मैंने डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट किया। अगेन ऑक्टल टू डेसिमल में जाना है, वही वेटेड आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो किया, बट इसमें अब लास्ट वाले में क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो वो 2 की पावर था, अब ये ऑक्टल में है तो ये आपका 8 की पावर में काउंट होगा। जैसे एग्जांपल है 7 to 4, इसको मैंने ऑक्टल में था, मैंने बाइनरी में सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये मेरी वेटेड मल्टीप्लिकेशन है। अब मैंने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में जाना है तो उसके लिए मैं डिवाइडेड बाय 16 से करूंगा, वही टेक्निक जो मैं के
आपकी फॉलो करनी है रिमाइंडर की। अब देखिए जो आपके पास 9 तक, तो आपके पास वही डेसिमल नंबर सिस्टम चल रहा है, 9 से आगे आपके वो अल्फाबेट्स काउंट होते हैं, तो 13 के लिए मैंने डी यूज कर लिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। सो अब मैंने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में जाने हैं, तो वही अगेन मैं मल्टीप्लीकेशन की टेक्निक फॉलो करूंगा, वेटेड मल्टीप्लीकेशन, और बट इसमें जो पावर यूज करूंगा वो 16 होगा, 16 की पावर में ऐड करूंगा। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल दी हुई ए बी सी, इसकी बेस 16 है, तो इट मीन कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने राइट साइड से स्टार्ट किया, सी इंटू 16, फिर बी इंटू 16, फिर देन ए इंटू 16, इन तीनों के आगे वैल्यूज, इन तीनों वैल्यूज को मैं समअप कर दूंगा और मेरे लास्ट में आंसर आ जाएगा।